एबटाबाद से। सुबह बखैर। मेरे लिए एक जो सबसे मुश्किल काम रहता है वो ये है पैकिंग का। तो ये पैकिंग करनी है अभी, और सिर्फ ज़िया भाई ने पैकिंग कर ली है, बाकी ये बल्कि अब्दुल माजिद भाई ने भी पैकिंग कर ली है। और मेरा धंधा रहता है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि कौन से बैग में मैंने क्या रखना है, क्योंकि सामान उठाना हो फिर मुझे भूल जाता है कि कहाँ पे क्या था। तो पैकिंग करते हैं और इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं एबटाबाद से आगे, फिर साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। ओए ओ हेलो, तेरा मसल हालता है मामा? ओ हेलो, मसल हालता है तेरा? बस देखो देखो लगे पे लगे रहो भाई। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम एबटाबाद से अब आकर निकल रहे हैं, और हाय 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 हाय, कर लो 8-9 साल पहले जब हम आते थे तो मुझे याद आता है नारान में, और नारान में हम लोग जैकेट्स, दिन को भी जैकेट्स और कोई मोटी चीज़ें पहनी होती थी। अभी 2021 से लेकर अब तक तो नारान में अगर रुकना हो तो मतलब हम लोग टी शर्ट में होते हैं, या वैसे कुछ ऊपर पहन लिया वो भी बतौर फैशन, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती। से सीधा रास्ता आपका जाता है जी, हाँ जी, अच्छा ये सीधा रास्ता जो लोग बाबूसर बाईपास करके दासू के रास्ते से चिलास जाते हैं, हम लोग नहीं गए कभी, हम हमेशा यहाँ से जाते हैं। सर्दियों में या इस तरह समझे 4-5 माह ही सिर्फ ये रास्ता खुला होता है, और वो रास्ता दासू वाला पूरा साल खुला होता है, और बड़ी ट्रैफिक भी वहाँ से जाती है। हाय 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 हाय, अगर मतलब जल्दी पहुँचने वाली बात अलग है, वो रोड भी वैसे ख़राब है, लेकिन खूबसूरती सारी इस रोड पे बस मतलब एंड है, इसकी खूबसूरती का तो एंड है बस, और बात ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि एबटाबाद से लेकर बाबूसर तक आय हाय हाय माशाल्लाह सारी है। देखें अच्छा बाइक के वाले, अच्छा ये है वो बस स्टैंड, ये लोग यहाँ से उतरते हैं जो बाइकर्स आते हैं, और ओए अब देखें कितना सफ़र हो चुका होगा जिसका, वो यहाँ पे बाइक पे आए और यहाँ पे रात गुजारें, सुबह को फ्रेश होकर यहाँ से निकलें, तो उनके लिए तो सफ़र है ही नहीं मुश्किल, सफ़र तो उसके लिए जलालत है जो हमारी तरह वाले घर से ही बाइक पे आते हैं। ये रश बालाकोट ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फिर इस तरह की हालत नहीं होगी, कुछ ये कम हो जाएगा। मैं वाइजर उठा लूँ, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, हाय हाय हवा लगी ठंडी। कोर्ट से पहले हैं कुछ, और यहाँ पे रुकने का प्लान है, लेकिन जब प्लान किया था उस वक्त मौसम बड़ा मज़े का था, तो अब जब यहाँ पे करीब आए ना, यहाँ पे पिछले साल भी हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, तो अब धूप निकल आई है, और धूप देख के बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कहीं साइड पे रुकने को। अब फिलहाल यहाँ तक भी मौसम बड़ा गर्म सा फील हो रहा है, अच्छा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रश उतना नहीं है, रश सारे गुजर चुके हैं मेरे ख़्याल में, क्योंकि मानसेरा से
मोटरवे वाले भी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे तो फिर रश होता है ना। चाय पीनी है और मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट जगह है। तो हम लोग पहुँचे हैं इधर बालाकोट से थोड़ा पहले, ये जो बालाकोट रिवर है, और बड़ा मज़े का मौसम आ रहा था, फिर धूप आ जाती है। आपको पता है मौसम का बड़ा ताल्लुक होता है मूड के साथ। अब हम यहाँ पे रुके हैं, पहले तो इन लोगों ने वो बाइकर्स को पार्किंग नहीं दे रहे या उनकी पार्किंग है नहीं, और फिर हम लोग दोबारा नीचे से ऊपर आए। इधर हमने ये अंकल को कहा, इन्होंने कहा मैं ख्याल रखूँगा, अल्लाह इनका भला करे, खली वाले अंकल। तो इधर हम बाइक पार्क कर रहे हैं, चाय पीते हैं, फिर नीचे कुछ खाते पीते हैं और फिर नीचे जाते हैं। या वैसे इस तरह के मौसम में फिलहाल मन कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, लेकिन चलो रुके तो वैसे भी हैं, चाय पी लेते हैं। अब ये सामान सामान चार्जिंग पे लगा हुआ है और बस हम लोग फिर गए, इधर चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की हल्की सी रिमझिम शुरू हो चुकी है बालाकोट बाज़ार में, कोई एक दो चीज़ें देखनी थी हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिली, पैसे बच गए। आए हाय हाय हाय, बाइक पर जब सामान हो तो उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए हाय 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 हाय, बारिश शुरू हुआ अभी बहुत ज़्यादा हफ्स था। जब मैं दुकान पे खड़ा हुआ था तो ये सारे कह रहे थे दुकानदार भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको कैसा लग रहा है। तो हमने कहा जहाँ से हम आए हैं ये गर्मी क्या गर्मी है, आपने गर्मी तो अभी देखी कहाँ है, गर्मी तो हमारे पास है, हमने उसे महफूज करके रखा हुआ है 8 माह का। चल काका, वोट खान दा शुरू शुरू यार तेज हो रही है। इसका मतलब है हम बारिश को फॉलो कर रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं माइक बंद करता हूँ और वीडियो फिर कंटिन्यू रहेगी। वैसे अभी मुझे अचानक से एक बात याद आई, एक मिनट शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो हवा की वजह से, और अभी हम बारिश के लिए रुके हुए थे, बारिश तेज़ हो गई काफ़ी
तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो उधर मुझे ये ख्याल आया कि हम वैसे भी लेट हैं तो बाबू साहब तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसकी एक वजह है, पिछले दिनों एक पोस्ट चल रही थी 5 से 5 या पता नहीं 5 से 6 है या 6 से 6 है इस तरह, यानी असर के वक्त दोनों तरफ से बंद कर देते हैं बाबू सर का रास्ता। तो ऐसा ना उधर जाएं फिर उधर ही स्टे करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि हम नारान में ही स्टे कर लें। तो इसीलिए फिर हम और मज़े से आने लगे। अभी आगे फिर कहीं रुकेंगे, चाय शाय पियेंगे और बड़े मज़े से हम नारान पहुँचेंगे और बाबू सर फिर कल इंशाल्लाह। उसकी एक वजह ये है कि लोलो सर फिर रुकना और फिर बाबू सर रुकना, रास्ते में रुकना, बाटा कुंडी, जलखट, बेसल, तो रुकना तो पड़ेगा फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोस के लिए। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम लोग कल निकलेंगे। हाय हाय, ये कल्टस पे मैं पिछले साल फैमिली के साथ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया था, ये वाला राउंड तीसरे पे, बस वो नहीं जा रही थी उससे ऊपर। हम लोग तकरीबन 3 बड़े और कुछ 7 बच्चे थे, बच्चे भी उनमें से 4 बच्चे बड़े थे। तो गाड़ी पे वज़न था, गाड़ी भी कल्टस है, कौन सी कितनी बड़ी गाड़ी है। तो उसके बाद तो गाड़ी बिल्कुल बैठ गई ऊपर जो जाने लगे, इतनी यानी वो बैठ गई कि वो पिक ही नहीं ले रही थी कि हम अब वहाँ से हमने मतलब टर्न लेना था, यू टर्न लेना था। तो अब वो गाड़ी इतनी भी पोजीशन नहीं थी, तो हैंड ब्रेक छोड़ के ना मैं उसको रिवर्स पे ले आया, ऐसे करके फिर उसको दोबारा ले आना था वापसी पे। तो बड़ी मुश्किल से वो हमने वहाँ से टर्न लिया, तो और डेंजरस भी है वैसे, क्योंकि वो अजीब सी है, ये स्टार्ट जाए ना ये, अगर आप शुगरान की तरफ, ये पहला मोड सही है, उसके आगे दूसरा आता है ना, वहाँ भी अचानक से ऐसे होता है। बाइक भी जब हम आ रहे थे तो बाइक भी ऐसे अचानक से वो हो गए, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है ऊपर जाके, पता नहीं क्या वजह है। अब हालांकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन हाइट है, लेकिन इतना कोई इतनी भी नहीं है और इतना भी कोई ऑक्सीजन का इशू नहीं है। नारान 51, यहाँ से इसका व्यू माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कम लोग होते हैं जो थोड़ा सा यानी प्रेफर करते हैं मशहूर शहर को या शहरों से हट कर रहने को। तो बाकी जो है ना वो जो लोग हैं, जाहिर है वो जिस तरह मरी है या ये नारान है, तो वो उसी में स्टे करना पसंद करते हैं, वो शोर गुल और बाज़ार ये और वो, वरना ये जगह भी अच्छी है। पहले वीडियो बनाई वो पता नहीं क्या ब्लर था कैमरे के आगे कुछ था। अच्छा जी, बारिश थी पहले किवाई से थोड़ा सा, काफ़ी पहले, फिर किवाई के बाद भी थोड़ी सी थी, पहले वाली इतनी शदीद थी कि हम लोग कहीं पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, इसकी वजह से हमारा 1.5 घंटा ज़ाया हो गया। तो अभी भी ये देखें, ये नारान 49 और कारखान 29, तो अभी हमारे पास यानी यहाँ से 49 तो 2 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से जब हम लेट हुए तो हमने सोचा कब मज़े से जाएंगे। दूसरी बात यह है, मुझे रास्ते में ख्याल आया कि आजकल तो वो बंद कर देते हैं 0 पॉइंट और बाबू सर वाला रास्ता टाइम से, तो हम लेट तो जा नहीं सकते, लिहाजा मस्त हो के हम करेंगे नारान में स्टे। नारान में हो सकता है, अगर नारान महंगा हुआ तो हमने स्टे तो करना नहीं, हम पहले कहीं कैंप लगाएँगे या कागान में कहीं स्टे करेंगे या उसके बाद कर लेंगे। तो ये चल के देखते हैं, काफ़ी हैं और भाई साहब ने ये कुर्बानी दे चुके हैं, इनकी जैकेट को चुरा के ले गए रास्ते से, तो ये इसलिए अधरंगे खड़े आए भी इनके पास। तो आज बोले तो खाली मोबाइल की थी मैंने। मैं आपको ये इसके काम देखें, इस
उम्र में। मामा केरे काम लगा पे अच्छा हमने पकोड़े और ये इधर मंगवा लिए चाय। अब किस जगह पे बैठ के हम खाएंगे और इस तरह से व्यू ओए होए होए आओ यार। शाम होने को है और नारान है अभी 50 किलोमीटर। हम बड़े मज़े से जा रहे हैं इंजॉय करते हुए, तो फिर ये टाइम की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब या तो अगर आपने पहुंचना है तो बस भगाई जाओ भगाई जाओ, फिर ऐसे मनाजर को कौन इंजॉय करेगा। अभी यहाँ पर बैठकर जो हमने चाय चिप्स और पकौड़े इंजॉय किए तो ऐसा फिर नहीं हो सकता। तो फिर दोनों में से एक चीज़ करनी होगी, अगर टाइम कम है और पहुँचना है फिर तो और बात है, फिर यही रास्ता है कि बस चला ही जाओ तो चला ही जाओ। माशाल्लाह ये देखें सामने, ओए चाचा ये पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बेवकूफ़ियों की वजह से हादसा होते हैं। अच्छा तो सुखी किनारी टनल, इसकी वजह से ना हमें अब मेरे ख़्याल में 1.5 घंटा यह राज छोड़ कीचड़ और वो वाला रास्ता ले जाता था वहीं फजूल में। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है लेकिन वो डाइवर्शन पे पहले उधर जाते थे उस साइड पे, फिर वो सारा कीचड़ वाला रास्ता पूरा करते करते और रश भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइन होती है, तो फिर वहाँ से आके हम लोग वहाँ से लिंक करते आगे जाके, तो उसके बाद और अभी ये तकरीबन कर लें, उन्होंने पता नहीं शायद पर्दे लगाए हों के नहीं दिखाना। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत है, अल्लाह करे हमारे मुल्क में और भी डैम बने और बिजली का यह मसला और पानी का हल हो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारान, बड़े धक्के खाने के बाद। जिस तरह आप नारान के करीब होते जाएंगे ना सड़कें वैसे ही ख़राब होती जाएंगी। तो ये जो ज़्यादा थकाने वाला सफ़र होता है, आए जी नारान के बाज़ार की सैर करते हैं। हमने 22 में जो होटल लिया था नारान के बिल्कुल एंड में, और उसने हमारे साथ थोड़ा बहुत तामन किया था, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। एक इशू था उस वक्त कि वो सारे बाइक्स जो हैं वो अंदर नहीं, यानी उसके जो बरामदा था और उसके पास जगह थी नहीं पार्किंग की, तो उसने कहा इधर अपने रूम्स के आगे सामान उतार कर पार्क कर दें। तो कुछ 4-5 ठहराए थे, 10 मोटरसाइकिल थे उस वक्त। तो अब अगर वो हमें ये ना कहे कि आप बाहर ठहराए ना, तो अगर हम मतलब इधर अंदर जगह दे दे तो वो बेहतर है, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि रात को कोई ना कोई हाथ मारता है, कोई चार्जर ख़राब कर देता है, कोई क्या करता है, तो बस आंखों के सामने खड़े हो ना या सेफ़ पार्किंग हो तो ज़रा अच्छा होता है।
अभी हम करते हैं नारान के बाजार की सैर। नारान में सस्ता होटल मिल गया और ज़ियारहमान की वजह से नारान बाजार के एंड से थोड़ा सा पहले नारा दे दो एक पीछे करके ना और बेड है दो मैट्रेस है और अगर तीसरा वो मैट्रेस भी देंगे लेकिन ना भी हो तो भी हमारे पास सारा सामान अपना अवेलेबल है। तो अभी हम फ्रेश होते हैं और उसके बाद बाजार जाते हैं करके खाना वाना खाते हैं। तो हम लोग रोटियां ले आए हैं, अब्दुल माजिद भाई ने खाना बनाया कढ़ाई गोश्त ज़बरदस्त किस्म की, वो तो मैं आपको दिखाता हूँ और मुझे भूल गया वो जो कुकिंग का प्रोसेस था वो दिखाना, फ़ोन लगे हुए थे चार्जिंग पे। अभी इसीलिए ज़रूरी था कि होटल वालों ने कहा है कि जनरेटर चल रहा है सुबह से तो हम 11 बजे उसको बंद कर देंगे, आपकी सिर्फ लाइट ऑन होगी, तो आपने कुछ चार्ज वार्ज करना है तो कर लें। तो बाइक पे इस फ़ोन को तो चार्ज कर नहीं सकते, दूसरा तो बता रहता है गोप्रो भी, इसलिए हमने मैं जहाँ भाई ने इधर चार्जिंग पे लगा रखा। तो हम लोग रोटियां ले आए हैं और अजित भाई आ जाएंगे। ये जी